वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेस्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर लैपटॉप चलाना सीखेंगे। लैपटॉप चलाना वैसे तो यूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर नहीं आता है, जो लोग यहाँ पर लैपटॉप का पहली बार इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है काफ़ी जटिल काम यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि लैपटॉप हो या कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यहाँ पर हो, इसमें पर्टिकुलर बटनों से ही पर्टिकुलर यहाँ पर काम होते हैं। ऐसे में किसी भी बटन को दबाकर आप कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो लैपटॉप को किस तरह से चलाते हैं, लैपटॉप की पूरी बेसिक जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। कई सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर 10th 12th से कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस में रुचि लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर लैपटॉप को यूज़ करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहले से कंप्यूटर या जो बड़े साइज के मॉनिटर आते थे उन्हें यूज़ करते थे, अब उन्होंने यहाँ पर नया लैपटॉप खरीदा है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है लैपटॉप को किस तरह से चलाना है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, कौन सी बटनों का क्या प्रयोग होता है, इस तरह की सारी जानकारियाँ उन्हें यहाँ पर जानने की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए आज का एक वीडियो यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया है। यानी कि नए लोग जो कि यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम लैपटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप चलाना चाहते हैं, उनके लिए लैपटॉप किस तरह से चलाएंगे, वो सब जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप भी ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम लैपटॉप किस तरह से चलाया जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। और इसी तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल और हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सेस टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपकी बात सेस के साथ। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरे पास फिलहाल यहां पर दो लैपटॉप है, एक डेल कंपनी का है, एक यहां पर लेनोवो कंपनी का है। एक में विंडो 7 मेरे पास इंस्टॉल है और एक लैपटॉप में मेरे पास यहां पर विंडो 10 इंस्टॉल है। विंडो 7 और विंडो 8 क्या होते हैं, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है और हम एक इंसान है, तो मशीन और इंसान के बीच में जो बातचीत होती है, जो कमेंट्स हम यहाँ पर देते हैं, जो काम हमें यहाँ पर करवाना होता है, कंप्यूटर को बताना होता है, तो इन दोनों के बीच में संवाद करने के लिए, दोनों की बातों को समझने के लिए और कंप्यूटर तक हमारी बातों को पहुँचाने के लिए जो सिस्टम काम करता है, उसे हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले जैसे कि यहाँ पर जो है विंडो के कई अलग वर्जन चलते थे, विंडो 98 चलता था, विंडो विस्टा आया, विंडो 2000 आया, विंडो 2007 आया, 2010 आया, इस तरह से जो है यहाँ पर विंडो के अलग अलग वर्जन यहाँ पर चलते हैं। तो मेरे पास फिलहाल दो वर्जन है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग एक तरह के होते हैं, लेकिन इनमें जो है जनरेशन वाइज डे बाय डे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुए और इस तरह से यहाँ पर विंडो 7 विंडो 8 यहाँ पर चलते हैं। कुछ थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ पर अलग होते हैं, लेकिन जो बेसिक जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये सभी लैपटॉप या कंप्यूटर में यहाँ पर लगभग सेम ही होती है। दोस्तों वैसे यदि आप एक कंप्यूटर देखेंगे तो एक कंप्यूटर में आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है, जिस स्क्रीन पर आप जो है सभी चीज़ें यहाँ पर देख पाते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ये जो चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं इसे जो है हम मॉनिटर कहते हैं, और लैपटॉप में हम इसे जो है मॉनिटर स्क्रीन कह सकते हैं, जिनमें हम जो है सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से जब आपने कोई कंप्यूटर देखा होगा तो उसमें इस तरह का एक कीबोर्ड लगा होता है। ये कीबोर्ड जो है कंप्यूटर में कुछ इस तरह से अलग से लगा होता है, लेकिन यदि हम लैपटॉप में देखें तो कीबोर्ड उसी के साथ यहाँ पर लगा होता है। इसी तरह से यदि आपने कंप्यूटर में देखा होगा तो इस तरह का एक माउस होता है, जिसे चलाकर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर चलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है एक टच पैड आपको दिया होता है, जो यहाँ पर माउस का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर लैपटॉप में और क्या क्या फीचर्स है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों जब आप कंपनी से या किसी दोस्त के पास से या कहीं से भी लैपटॉप लाते हैं, तो लैपटॉप आपको इस तरह से बंद पोजीशन में मिलता है। यानी कि एक तरह की नोटबुक टाइप का, एक तरह से आपकी जो नोटबुक होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जो एक बुक होती है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लैपटॉप को आपको ओपन करना है, स्टार्ट करना है, तो लैपटॉप में यहाँ से जो है इसे दो पार्ट में यहाँ पर यह ओपन होता है। इस तरह से लैपटॉप आपका जो है खुलता है और बंद होता है। इस लैपटॉप में कुछ अलग अलग चीज़ें लगाने के लिए यहाँ पर स्पेस दिए होते हैं। जैसे कि आप इस लैपटॉप में अलग से कीबोर्ड या माउस अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको चीज़ें दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पोर्ट्स दिए गए हैं। इसी तरह से आप पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं, चार्जर लगाना चाहते हैं, डाटा केबल लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से पोर्ट यहाँ पर जो है दिए रहते हैं। इसी तरह के कुछ पोर्ट यहाँ पर जो है आपको इस साइड भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है आप SD कार्ड, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो आपको लैपटॉप में आपका मोबाइल अटैच करना हो, कीबोर्ड अटैच करना हो, आपका माउस अटैच करना हो, तो आप जो है इन पोर्ट में उन्हें जो है अटैच कर सकते हैं। लैपटॉप के साथ आपको जो है एक चार्जर मिलता है, चार्जर लगाने के लिए पोर्ट आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ये भी हर लैपटॉप में यहाँ पर जो है होता है।
किसी में यहाँ पर दिया होता है, किसी में इस साइड दिया होता है, लेकिन हर लैपटॉप में आपको चार्जिंग का पोर्ट्स दिया होता है। लैपटॉप का चार्जर आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपको जो है प्लग में, इलेक्ट्रिक प्लग में लगाना होता है, और इस तरह से एक पिन आपको देखने को मिलेगा। इस पिन को आपको जो है लैपटॉप के इस भाग में लगाना होता है जहाँ पर जो है आपको जो है इसे चार्जिंग करनी होती है। दोस्तों, आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर लैपटॉप देखते हैं, लैपटॉप आप कंपनी से परचेज करते हैं, अपने दोस्त भाई मित्रों कहीं से भी लाते हैं, तो आपको लैपटॉप इस पोजिशन में यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि बंद रहता है। इस लैपटॉप को ओपन करने के लिए यहाँ से जो है इसका जो है ओपन यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से अपने लैपटॉप को आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर एक दूसरा लैपटॉप है, इसे भी जो है हम ओपन करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो है लैपटॉप ओपन होते हैं। अब लैपटॉप को सबसे पहले आपको जो है स्टार्ट करना है। इस तरह से आपको स्टार्ट पोजीशन में लैपटॉप चाहिए ताकि आप उसमें जो भी फंक्शंस है, जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो कर पाए। इसके लिए इसमें जो है एक स्टार्ट बटन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस लैपटॉप में स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया है। किसी लैपटॉप में इस कोने में दिया होता है, किसी लैपटॉप में इस कोने में दिया होता है, लेकिन इस तरह का एक पावर सिंबल उस पर जो है बना होता है, जिसे कि आप प्रेस करके यहाँ पर जो है अपने लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है इसे प्रेस कर दिया है और हमारा लैपटॉप अब यहाँ पर ऑन हो रहा है। इसी तरह से यदि आप इस लैपटॉप में देखेंगे तो इसमें जो है पावर का बटन आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा, और इस तरह का सिंगवॉल भी इस जो है पावर बटन पर बना होता है। ये पावर बटन इस कोने में या इस कोने में जो है आपको अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग कंपनियों के कंप्यूटर में यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं। लैपटॉप ऑन होते ही कुछ सेकंड्स का यहाँ पर टाइम लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके जो भी फंक्शंस है यहाँ पर जो है सारी बूटिंग प्रोसेसिंग में आने के लिए थोड़ा टाइम यहाँ पर लेता है, और इसके बाद यहाँ पर लैपटॉप ऑन होता है और आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देती है, जिस पर जो है आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप हमारा वहाँ पर ऑन है, पहले से मैंने इसमें पासवर्ड लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है ये पासवर्ड मांग रहा है, और इस लैपटॉप में पहले यहाँ पर मैंने पासवर्ड नहीं लगाया है, इसलिए जो है यह डायरेक्ट विंडो यहाँ पर ओपन हो चुका है। लैपटॉप में आपको इस तरीके से प्रोटेक्शन पासवर्ड लगाना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं और लैपटॉप में किस तरह से पासवर्ड लगाएंगे ये जान सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे दोनों लैपटॉप यहाँ पर जो है वर्किंग पोजिशन में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि इस पर जो है काम किस तरह से होता है। जैसे कि आप यहां पर लैपटॉप देख पा रहे होंगे और लैपटॉप का पूरा कीबोर्ड भी यहां पर जो है देख पा रहे होंगे। लैपटॉप पर काम करने के लिए जो माउस होता है वो आपका ये टच पैड यहां पर काम करता है। इस पर आप जैसे ही उंगलियां घुमाते हैं उस तरीके से ही आपका जो है माउस यहां पर जो है चलते रहता है, और जिस भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है उस पर लाकर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वाला प्रोग्राम, वो वाला सॉफ्टवेयर आपका जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसी तरह से जब आपका लैपटॉप यहाँ पर ऑन होता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। इसमें ये जो अभी आप देख पा रहे होंगे ये पूरा मॉनिटर है, यानी कि आपके जो भी काम आप इस पर करेंगे वो देखने की पूरी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ नीचे में आते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक विंडो बटन, इसे जो है स्टार्ट बटन भी कहते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपके कई सारे फंक्शंस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, जो कि आपको इधर मॉनिटर स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि कोई आपका एक प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, आपको अपने लैपटॉप में कैमरा चलाना है, आपके लैपटॉप में कैलकुलेटर चलाना है, इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे जो है आप यहाँ पर चला सकते हैं, और भी सारे हैं जिन्हों आप यहाँ पर जो है नीचे का एरो, ये वाला एरो बटन प्रेस करके यहाँ पर जो है और नीचे आकर इसमें और भी जो भी फंक्शंस है इन्हें यहाँ पर जो है देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले में आपको जो है पावर नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्लीप कर देने पर आपके लैपटॉप की बैटरी यूज़ नहीं होगी, आपका लैपटॉप यहाँ पर जो है स्लीप पोजीशन में चला जाएगा। शटडाउन करने पर आपका लैपटॉप यहाँ पर जो है बंद हो जाएगा, जैसे आपने स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ पर बंद हो जाएगा, और रीस्टार्ट करने पर आपका लैपटॉप यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ और सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस आप देख पा रहे होंगे, ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है रख सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उन्हें जो है आप यहाँ पर जो है रख सकते हैं, ताकि बार बार जो है उन्हें ओपन करने के लिए आपको विंडो बटन में नहीं जाना पड़े। इसी तरह से यदि हम इस साइड आए तो यहाँ पर जो है आपको कुछ अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको बैटरी की पोजीशन बताता है कि बैटरी अभी आपकी कितनी चार्ज है, और अभी आपका लैपटॉप चार्जिंग पर लगा है या नहीं, ये भी प्लग यहाँ पर जो है दिखाता है।
जैसे कि इस प्लग सीन में अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी आपका प्लग लगा हुआ है, यानी कि अभी आपका लैपटॉप यहाँ पर चार्जिंग पोजिशन में है। इसी तरह से यहाँ पर बैटरी कितने परसेंटेज है वो दिखा देगा। वाईफाई कनेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर दिखा देगा। यदि आप अपने लैपटॉप में यहाँ पर इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो वाईफाई से आप जो है इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें कि आपको लैपटॉप की वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसे जो है आप अपने लैपटॉप में मूवी देख रहे, वीडियोज़ देख रहे, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको टाइमिंग देखने को मिल रही है, यहाँ टाइम बताता है कि अभी जो है क्या टाइम हुआ है। और इसके साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक नोटिफिकेशन है, यानी कि आपके लैपटॉप में जो भी नोटिफिकेशन आता है विंडो अपडेट के लिए या किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपडेट के लिए या किसी वेबसाइट वगैरह को आपने सब्सक्राइब यहाँ पर करके रखा है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। कीबोर्ड में एक साइड में आपको जो है पावर बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आपको जो है कंट्रोल बटन देखने को मिलेगा, विंडो बटन देखने को मिलेगा, अल्ट स्पेस, इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको स्विफ्ट बटन, एंटर बटन और बैक स्पेस बटन, यहाँ आपको जो है लेफ्ट राइट साइड के एरो, और ये जो भाग होता है ये आपकी गणितीय डाटा पुट करने के लिए यहाँ पर होता है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 7 8 9 जैसे नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी के अल्फ़ाबेट्स आपके यहाँ पर होते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आपके होते हैं, और इनका प्रयोग करके आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें यहाँ पर जो है इनपुट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ें यहाँ पर जो है अपने लैपटॉप में चला सकते हैं। अब ये जो भाग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये होता है माउस पैड, ये पूरे आपके माउस का काम करता है। इसमें आप जहाँ भी टच करेंगे और टच करके इसे जिस भी एरिया में घुमाएंगे आपके मॉनिटर स्क्रीन पर माउस उस तरह से यहाँ पर जो है चलने लगता है। इसमें नीचे के साइड में यहाँ पर जो है दो बटने होती है, जैसे कि अभी इस लैपटॉप में आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एक ही आकार में बना हुआ है, बटन यहाँ पर सो जैसे नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपका ये काम करने लगता है, यानी कि यहाँ पर बटन है लेकिन ये सो नहीं हो रही है। इसी तरह से यदि आप इस लैपटॉप में यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आपका पूरा माउस पैड में यहाँ पर दो बटन अलग अलग तरीके से यहाँ पर सो रही है। इसे प्रेस करने पर आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर मॉनिटर पर हलचल यहाँ पर होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने राइट साइड का माउस प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मेरे सामने आ गए, जैसे व्यूज़ हो गया, सॉर्ट बाय हो गया और रिफ्रेश हो गया। इस पर जो है हम क्लिक करके इसे जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो मॉनिटर पर हमें एरो दिखाई देता है उस एरो को हम यहाँ पर ले जाएंगे, दो बार यहाँ पर जो है डबल टच करेंगे तो वो वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। इसी तरीके से यदि इस जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपने ओपन किया है इसे आप चाहते हैं कि ये ओपन नहीं रहे तो यहाँ पर कोने में आप देखेंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये होता है मिनिमाइज़, यानी कि इसे आप जो है प्रेस कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका हटेगा नहीं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो है नीचे टास्क बार में यहाँ पर शो होने लगेगा, और वापस जो है यदि आपको इसका यूज़ करना है तो इसे दोबारा आप यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर साइड में आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन होता है आपकी विंडो को फुल स्क्रीन या आपके हिसाब से विंडो को चलाने का। जैसे कि अब ये यहाँ पर फुल स्क्रीन हो गया है और दोबारा से मैं यदि उस पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ यहाँ पर छोटा हो जाता है, और यहाँ पर जो है हम इसे जो है इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है एक कट का निशान देखने को मिल रहा होगा, ये होता है क्लोज का। इस पर यदि आप माउस की पोजीशन ले जाकर यहाँ पर जो है टच पैड को डबल टच करते हैं तो ये यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर ओपन किया था। इसी तरह से हमारे माउस पैड में जो दो बटने यहाँ पर होती है, इसमें लेफ्ट साइड की बटन का उपयोग किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए और राइट साइड के माउस पैड का बटन यहाँ पर कंप्यूटर के फीचर्स और कंप्यूटर को रिफ्रेश करने आदि के लिए यहाँ पर जो है किया जाता है। आप लैपटॉप को पहली बार यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो समय समय पर आप जो है इसे रिफ्रेश करते रहें ताकि जो है यहाँ पर इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि या किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कोई फॉल्ट यहाँ पर नहीं आए। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पर माई कंप्यूटर की। माई कंप्यूटर में आप जाते हैं, ज़्यादातर लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर या माई कंप्यूटर को आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप जो अभी हमने यहाँ पर देखा, इस तरह का जो डेस्कटॉप दिखता है और इस पर जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको डेस्कटॉप में मिलते हैं। जो कुछ नया डाउनलोड आपने करके रखा है वो आपको जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसी तरह से डॉक्यूमेंट में आपके कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिक्चर्स में आपके जो भी इमेजेस है, पिक्चर्स है, स्क्रीनशॉट आपने ले रखे हैं वो देखने को मिलेगा।
इसी तरह से यहाँ पर नीचे आते हैं तो दिस पीसी यानी कि इस कंप्यूटर में क्या क्या है ये आपको देखने को मिलेगा। इस पर जो है आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बताएगा कि आपके पास विंडो और विंडो में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ जैसे कि विंडो सी है मेरे पास, विंडो ई है, यानी कि दो फोल्डर मेरे पास बने हुए हैं। और इसके बाद इनमें जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ये दिखा देता है। और जो भी आपके म्यूजिक है, जो भी आपकी मूवीज़ है, म्यूजिक सुनना हो, मूवी देखना हो, पिक्चर देखना हो, या जो भी फाइल आपको यहाँ पर उठा के कॉपी पेस्ट करनी हो, वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आप कई ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो आपको आपके डेस्कटॉप पर यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पर यहाँ पर जो है नहीं दिखते, जैसे कि यहाँ पर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पेंट, इस तरह के चीज़ें, इस तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इन्हें जो है यदि आपके कंप्यूटर में है तो आप जो है यहाँ पर सर्च बार में सर्च करके जो है ढूंढ सकते हैं। यहाँ सर्च बार में आप जो है उन सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर उन्हें जो है सर्च करके यहाँ पर अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। इसके अलावा कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो वाकई में यदि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी में नहीं है तो उन्हें जो है आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होता है, और डाउनलोड और इंस्टॉल करके आप जो है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली तौर पर यदि एक नए यूज़र की बात करें तो लैपटॉप में उसे जो है लैपटॉप चलाना किस तरह से आना चाहिए, लैपटॉप को स्टार्ट किस तरह से करते हैं, लैपटॉप में कौन से फीचर्स कहाँ पर होते हैं, तो लैपटॉप को स्टार्ट करने का मैंने आपको बता दिया। इस तरह से एक बटन आपको जो है सब लैपटॉप में मिलेगी पावर ऑन की, ये पावर ऑन आपको जो है करना है। इसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो है जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये आप जो है पिन करके यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उन्हें जो है आप सर्च करके यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इस साइड में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका टाइमिंग और बैटरी की कितनी परफॉर्मेंस है, कितनी बैटरी अभी जो है आपकी बची है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है। यहाँ पर जो है एक विंडो बटन, स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कंप्यूटर की सेटिंग में आप चले जाएंगे, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा और पावर बटन आपको जो है देखने को मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को बंद करने के लिए। यहाँ पर जो है आपको स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट जैसे बटन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शटडाउन बटन पर आपके माउस को एरे को लाकर आप यहाँ पर जो है डबल क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर यहाँ पर जो है शटडाउन हो जाएगा, आपका लैपटॉप यहाँ पर शटडाउन हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लैपटॉप चलाने में हेल्प यहाँ पर मिलेगी। हमारे चैनल पर हम इसी तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। आप भी इसी तरह के वीडियोस यहाँ पर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस तरह के यूजफुल वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्टॉक के साथ।